मुझे बहुत इच्छा था बनियान ट्री देखने का, बट यार मुझे अभी डर लग रहा है। अकेले हूँ वैसे ही जंगल में, और अभी शाम का 4 बज रहा है, और मुझे 30 किलोमीटर स्कूटी चला के फिर गोवा पहुँचना भी है, ठीक है। सो फॉर मी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा अकेले के लिए। I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं कल गया हॉस्टल में स्टे किया था, और अभी मैं जा रहा हूँ आरामबल बीच में, जो यहाँ से 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, ठीक है। और मेरे साथ ये भैया मिला, ये भैया है दिल्ली से। सो ये भैया को मैं एक बीच में कालंगुट बीच में ड्रॉप करूँगा, और उसके बाद मैं आरामबल बीच में जाऊँगा। सो व्लॉग में बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइज, मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ आरामबल बीच के साइड पे, और इस साइड में कोई स्कूटी का लाइक अलग से पार्किंग चार्ज नहीं लगता है। मैं एकदम पता नहीं आगे का क्या सीन है, बट मेरे से नहीं लिया, ठीक है। और मेरे पीछे देखो गाइस, और गाइस पता है यहाँ पे ना बहुत सारा फॉरेनर्स है, मतलब वाघा बीच और कालंगुट बीच से ज़्यादा तो यहाँ पे फॉरेनर्स मुझे दिख रहे हैं। गाइज सी द स्टार फिश, मैं कभी स्टार फिश नहीं देखा यार, फक। मज़ा आ रहा है, आप लोग भी मज़े लो, और मैं मेरा मोबाइल से ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। आजकल जितना सारा ब्लॉग आ रहा है सब मोबाइल से आ रहा है, क्योंकि मेरा कैमरा ख़राब हो चुका है, मुझे नया गोप्रो लेना पड़ेगा। यहाँ से मैं जाऊँगा बनियान बाबा के पास, बहुत नाम सुना हूँ, उसके बाद देखता हूँ। चलो आगे का, आगे बहुत ज़्यादा रश है। सो गाइस, मैं 5 दिन से गोवा में हूँ, और मैं 5 दिन से समुंदर में बाथ नहीं लिया, और आज फर्स्ट टाइम लिया, क्योंकि पता नहीं मैं ऐसे ही घूम रहा था और ऐसे ही मज़ा ले रहा था, और मैं स्विमिंग का ड्रेस लेके नहीं आया था। बाकी आज मैं लेके आया था, तो मैं सोचा कि चलो नहा लेता हूँ। बाल पे क्या करते हो आप? ब्रेडिंग। क्या मतलब? सो गाइस, गोवा के अंदर नियर आरामबल बीच के साइड में आपको ये शॉप पड़ेगा, और यहाँ पे आंटी जी ड्रेडलॉक्स करा रहा है, और ये सब आप लोग कलर चूज कर सकते हो अलग अलग से। ये 200 रुपीज़ करके एक एक करके स्टिक आएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से कलर चूज़ करो, और ये सब अगर आप लोग अलग से डिज़ाइन लगाना चाहते हो तो इसके लिए 150 रुपीज़ करके चार्ज लगेगा। और यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ का सीन है, कलरफुल हेयर्स अगर किसी को चाहिए, रेड है, बहुत सारा कलर का हेयर है। और यहाँ पे देखो एक फॉरेनर्स करा रहा है। चलो
सो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ स्वीट लेक, और स्वीट लेक से थोड़ा सा आगे आपको बनियान ट्री पड़ेगा, और इस टाइप का बीच ये है आरंबल बीच, और मेरे पीछे का व्यू देखो। अच्छा भैया जी, स्वीट लेक किस साइड से पड़ेगा? सो आपको पूछ के जाना पड़ेगा कि स्वीट लेक किस साइड पड़ेगा। आपको आरंबल बीच पे एंट्री करके राइट साइड पे आना है, तो आपको इतना बड़ा बड़ा स्टोन मिलेगा, तो इस साइड पे आपको जाना है। सो गाइस ये आरंबल बीच के एकदम साइड में ये छोटा सा एक लेक टाइप का पड़ेगा, जिसको स्वीट लेक बोलता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार। और यहाँ पे आप लोग आके बर्थ ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्वीट है स्वीट लेक। और देखो सामने हिल्स टाइप का है, और इस साइड में बीच है। फक और मेरे साथ है ये भाई मुझे गाइड कर रहा है, इज़ फ्रॉम रशिया। और यहाँ से हम लोग को वॉक करके जाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का डिस्टेंस है। गाइस मैं कम से कम जंगल के अंदर 20 मिनट से चल रहा हूँ, और मुझे कोई बनियान ट्री नहीं दिखा, और ना कोई बाबा दिखा। एक बंदा मिला मुझे बीच में, तो वो बोल रहा था कि वो जस्ट वहाँ से होके आए, वहाँ से सिर्फ एक ही बंदा था। बाकी यार मुझे बहुत इच्छा था बनियान ट्री देखने का, बट यार मुझे अभी डर लग रहा है, अकेले हूँ वैसे ही जंगल में, और अभी शाम का 4 बज रहा है, और मुझे 30 किलोमीटर स्कूटी चला के फिर गोवा पहुँचना भी है, ठीक है। सो फॉर मी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा अकेले के लिए। अब देखो हर साइड पे जंगल है साला। आपको ये प्लेस काफ़ी अच्छा मिलेगा, देखो जंगल के अंदर छोटा सा एक इसको सामने एक लेक बना हुआ है, और यहाँ से पानी जा रहा है, एकदम क्लीन वाटर है। बैठो चिल करो, और